हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका RRCSECR के बारे में। आपका जो है सो एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले हुआ है ना रिटर्न का, तो आप सभी को पता है कि उसमें स्टेशन मास्टर का 113 सीट है। और अब आपका जो है सो रिटर्न का रिजल्ट आएगा और उसमें जो है सो 904 बच्चे का सिलेक्शन होगा और फिर उसका साइको टेस्ट होगा। और पूरे इंडिया में जितना भी ऐसा एग्ज़ाम है रेलवे का जिसमें साइको टेस्ट होता है, उसका प्रिपरेशन अनलिमिटेड एजुकेशन पूरे अच्छे से और सबसे अच्छे से करवाता है। आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहली बात कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कि आप स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन कहाँ से करना है, डिस्कशन ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा, सब कुछ अच्छे से आपको एक एक करके बताया जाएगा। GDCE का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम पे कोई भी टारगेट नहीं करता है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम होते हैं। जब आप मेरा चैनल देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको साइको टेस्ट से रिलेटेड लेक्चर ही मिलेगा, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ साइको टेस्ट है और साइको टेस्ट का प्रिपरेशन सबसे अच्छा करवाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे महामेट्रो का साइको टेस्ट, NCERTC का साइको टेस्ट, आपका जो है सो RRC ALP का साइको टेस्ट, स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट, NTPC DFCCIL LMRC या जितना भी मेट्रो एग्ज़ाम है सभी का साइको टेस्ट का प्रिपरेशन ये चैनल करवाता है, काफ़ी अच्छे से करवाता है। ठीक है, अपना वेबसाइट, अपना ऐप, अपना डिस्कशन ग्रुप, आपको कहीं नहीं जाना है, एक प्लेटफॉर्म पे रह के अच्छे से प्रिपरेशन करना है, सिलेक्शन आपका आसानी से होगा, कोई नहीं रोक सकता है 100% गारंटी के साथ। यहाँ पे जब इसका आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको सीट दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका जो है स्टेशन मास्टर का 113 सीट है ना। मैं दूसरा पोस्ट के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ साइको टेस्ट वाले पोस्ट का बात करता हूँ। तो ये स्टेशन मास्टर के लिए 113 सीट है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, सब कुछ आपको मैं ही दूंगा। जब आप साइको टेस्ट में जाओगे तो उसका मेडिकल फॉर्मेट भी मिलेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है वो सभी बताया जाएगा, सब कुछ आपको अच्छे से। अभी 113 सीट पे आपका लगभग 904 बच्चों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा मैं कट ऑफ के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। कट ऑफ के बारे में देखो, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है ना आपका, वहाँ पे मात्र 38 सीट था, ध्यान से सुनना, वहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में मात्र 38 सीट था आपका, तो यहाँ पे 113 सीट है। तो 38 सीट के लिए हमेशा क्या होता है ना, 8 गुना का सिलेक्शन होता है। तो 38 सीट के लिए जो है सो यहाँ पे आपका देखो 305 स्टूडेंट का जो है सो सिलेक्शन हुआ था, और मात्र 305 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, तब आपका कट ऑफ जो है सो UR का गया था 65.33, SC का गया था 55.00, ST का 53, OBC का 61। मात्र 305 स्टूडेंट पे आपका ये कट ऑफ था और यहाँ पे 904 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर मेरे तरफ से आप कट ऑफ जानना चाहते हो तो UR का जो कट ऑफ है वो आपका आसपास 62 के आसपास रहेगा, OBC का 60 के बिलो कहो या 60 के अप्रॉक्स कहो, है ना। तो आपका जो कट ऑफ है ना, जो ये जो कट ऑफ देख रहे हो, इससे 2-3 नंबर आपका कट ऑफ कम रहने वाला है। तो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपको पता होगा क्योंकि आंसर की आ चुका है, आपको पता होगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अगर आपका नंबर काफ़ी अच्छा आ रहा है, 67, 69, 70, 75, तो आप सेफ जोन में हो। अभी से आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करो, क्योंकि साइको टेस्ट में आपका टाइम नहीं देगा, आपका रिजल्ट आएगा 8 दिन से 15 दिन के बीच में, आपका जो है सो साइको टेस्ट का एग्ज़ाम ले लेगा, और उतना दिन में साइको टेस्ट का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से नहीं कर पाओगे। करने का कर लोगे, लेकिन जितना पहले से करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सारा चीज आपको समझ में आया। तो जैसे ही इसका रिजल्ट आता है और 904 बच्चे में आपका नाम आता है, आंख बंद करके अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। अब चलो एक दो चीज़ और बताता हूँ आपको, प्रिपरेशन कैसे कैसे करना मैं सब कुछ बताता हूँ। देखो, GDCE एग्ज़ाम और NTPC एग्ज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, साइको का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज होता है GDCE एग्ज़ाम में। जैसे कि GDCE एग्ज़ाम में जब आप शॉर्टेस्ट रूट का टेस्ट दोगे तो आपको 10 ऑप्शन दिया जाएगा, और NTPC के एग्ज़ाम में जब आप शॉर्टेस्ट रूट का टेस्ट दोगे तो 5 ऑप्शन दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है सो आपको
क्लियर कट बता दिया जाता है ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में मिस ना हो। ऊपर से ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, यहाँ पे कोई कंपटीशन वगैरह का इश्यू नहीं है। सब लोग जॉब करते हैं, सबके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि अच्छा खासा प्रिपरेशन करेंगे, तो सब लोग जॉब करते हैं और उसके बाद जो टाइम निकाल पाते हैं उसी टाइम में जो है सो वो लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है। और साइको में जो है सो लगभग 75 से 80% बच्चे फेल कर जाते हैं, तो अगर आप साइको क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इतना ही नहीं 30% आपका वेटेज भी होता है, 70% रिटेन के स्कोर का और 30% आपका साइको के स्कोर का। तो अगर आप साइको में अच्छा स्कोर करोगे ना तो उसका 30% का वेटेज जब आप कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है आप से जो ज़्यादा नंबर रिटेन में लाया हुआ है उसको भी आप पीछे करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। 75% तो ऐसे ही फेल कर जाते हैं, उसके बाद जो 25% बचे हुए हैं तो आप साइको में अच्छा करके अपने आगे वाले से भी आगे निकल सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको अनलिमिटेड एजुकेशन ऐप का लिंक मिलेगा। आपको अगर डाउनलोड करने का मन है ऐप तो डाउनलोड कर लेना, अगर आपको मन नहीं है तो वहीं पे आपको एक और वेबसाइट लिंक करके मिलेगा, वहां से भी आप ये कोर्स में इनरोल हो सकते हो। प्राइस मैं काफ़ी कम रखता हूँ, देखो काफ़ी कम प्राइस, अगर मैं चाहूँ ना तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा रख सकता हूँ और स्टूडेंट लेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट कंटेंट, सबसे बेस्ट प्रिपरेशन और बहुत कुछ ऐसा देता हूँ जो कोई नहीं देता है। लेकिन फिर भी मैं प्राइस कम रखता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं तो वो अपना जो है सो मैनेज हो जाता है। यहाँ पे आपको इस तरह का कोर्स दिखेगा डिस्क्रिप्शन से, जब आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे या सिंपली लिंक पे क्लिक करके देख लेना तो इस तरह का आपको कोर्स दिखेगा, RRB NTPC GDCE स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट कंप्लीट कोर्स, है ना। कहोगे तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिखा दूंगा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मेरे पास साइको टेस्ट का प्रिपेरेशन करते हैं। अब स्टेप वाइज स्टेप सुनो मैं कहना क्या रहा हूँ सबसे पहले आपको ये लेक्चर देखना है, साइको टेस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर फाइनल एग्जाम, ये लेक्चर आपको देखना है। इसमें मैंने बताया हुआ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। उसके बाद आपको साइको टेस्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यहाँ पे 189 टेस्ट है ये मैंने दिया हुआ, ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट। सब जगह क्या होता है कि आपको फुल टेस्ट दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका अगर एक पार्टिकुलर सेक्शन, मान के चलो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट वीक है और आपको इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, तो आप उसके लिए अपना फुल टेस्ट का अटैम्प्ट क्यों बर्बाद करोगे, टाइम क्यों बर्बाद करोगे, आप सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रैक्टिस करो ना। तो इसके लिए मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो इंटेलिजेंस टेस्ट में 48 टेस्ट है, ये टेस्ट आपका 60 से भी ज़्यादा होगा क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट टफ होता है, तो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, है ना, है ना। चलो यहाँ पे आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इस तरह से आपको करना है। कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस का स्क्रोल को ऊपर नीचे करोगे ऐसे करके, तो आपका इस तरह से होगा, अपने स्क्रीन के साइज पे फिट कर लेना और आराम से प्रैक्टिस करना। सर्वर स्पीड काफ़ी फास्ट है और ये आपका प्रिपरेशन है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक एक करके क्वेश्चन आएगा, आपको प्रिपरेशन करना है। जिस क्वेश्चन में, यहाँ देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन में सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस क्वेश्चन को आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में पूछना है। यहाँ पे 1800 स्टूडेंट हैं जो साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपस में लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सब अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आपका कोई ना कोई फ्रेंड यहाँ पे रिप्लाई करके आपका हेल्प कर देगा, और मैं भी यहाँ पे एक्टिव रहता हूँ तो मैं भी यहाँ पे रिप्लाई करके हेल्प कर देता हूँ। और एक बात, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है ना जो दूसरे जगह का टेस्ट लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि सबसे बेस्ट प्रिपेरेशन अनलिमिटेड एजुकेशन ही करवाता है, तो वो क्या करते हैं, अब चूँकि वो एक जगह पैसा लगा चुके हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपना प्रॉब्लम इस ग्रुप में आकर डिस्कशन करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अनलिमिटेड एजुकेशन लेना, टीचर के साथ रहना है, कंपनी के साथ नहीं रहना है। टीचर के साथ रहोगे तो आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। आपको डिस्कशन करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है जो कि कोई नहीं देता है जल्दी, तो इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ क्या होता है कि मैं आपको चैट सेक्शन के थ्रू हेल्प करता हूँ, जैसे कि आप पेड स्टूडेंट हो, आपको जेन्युइन कुछ पूछना है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे पूछना है ना, तो आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं जो है सो रिप्लाई करके आपका क्वेरीज को सॉल्व कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, है ना। तो ये चीज़ जल्दी कोई नहीं करता है।
ओके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पे जब आप एक एक करके क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो ना, तो ये टेस्ट सीरीज, ये वेबसाइट है unlimitededucation.in, ये भी अपना वेबसाइट है, इस पर आपको NTPC का प्रैक्टिस करना है टेस्ट का। और ये जो टेस्ट दिया हुआ है ना, ये आपका एग्जाम वाला टेस्ट दिया हुआ है, मतलब एग्जाम में जैसा टेस्ट आएगा वैसा टेस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ उसी फॉर्मेट में है ना। तो यहाँ से भी सभी को प्रैक्टिस करना है। इस टेस्ट को आपको बाय नहीं करना है, इसका प्राइस 549 है, इसको बाय नहीं करना है। ये टेस्ट आप सभी को फ्री में मिलेगा। आपको ऐप पे आके कोर्स लेना है, क्योंकि ऐप पे आके लोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये टेस्ट भी फ्री में मिल जाएगा, ऐप वाला टेस्ट भी फ्री में मिल जाएगा, मेरे साथ चैट फैसिलिटी मिलेगा, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, इसके अलावा दुनिया भर का चीज़ आपको मिलेगा। एक खोल के दिखाता हूँ आपको, इस तरह से आता है जैसे फाइनल एग्जाम में आपका आएगा। यहाँ पे जाओ, सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ो इस तरह से, उसके बाद आपका ये इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको आप 2 मिनट का है स्किप करो, है ना। घर में प्रैक्टिस करना है तो क्यों 2 मिनट बर्बाद करोगे, लेकिन एग्जाम में आपका ये स्किप नहीं होगा। एग्जाम में आपको 2 मिनट तक बैठा रहना पड़ेगा, वहाँ तो आपको 5 मिनट तक बैठा रहना पड़ेगा, तो इसको स्किप करो। और इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा इस तरह से, है ना। वहाँ पे ऐप पे क्वेश्चन एक एक करके आए, यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा, स्क्रॉल करना है ना। ये आपका फाइनल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे भी बहुत सारा टेस्ट है जो कि आपको फ्री में मिलेगा, है ना, और सब कुछ आपको चैट सेक्शन के थ्रू मिलेगा। मैं बोल देता हूँ, जैसे ये स्टूडेंट को देखो, इसने ये कोर्स लिया तो इसको सारा कुछ दे दिया गया कि ऐप को कैसे यूज करना है, लैपटॉप पर कैसे यूज करना है, मोबाइल पे कैसे दे सकते हैं, लैपटॉप पे कैसे दे सकते हैं, वेबसाइट पे टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट फ्री कैसे होगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इतना सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके होगा आपका सिलेक्शन। याद रखना, सिर्फ कहीं पे पैसा देते हो, टेस्ट का आईडी पासवर्ड मिल जाता है, 20 टेस्ट 25 टेस्ट, और सोच लोगे कि साइको निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ रीजन है ना जो 80% बच्चे फेल करते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेरेशन करना है, टीचर के साथ रह के, जब तक फाइनल एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको टीचर के कॉन्टैक्ट में रहना है। उम्मीद करते हैं सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोग फटाफट डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड कर लो और लेक्चर को लाइक कर देना। कोई भी मन में कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट करने का पूरा आज़ादी है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।